हरिओम दोस्तों, नारी शक्ति अन्नदान योजना से हम सारिका सिंह आज बहुत दिनों बाद, 3 हफ्ते बाद हम फिर अपने काम को अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि 2 हफ्ते तक तो हम बद्रीनाथ हरिद्वार तक घूमने गए थे, जिसकी वजह से 2 हफ्ते ऐसे नहीं करा पाए, और 1 हफ्ता उधर से आने की वजह से बहुत थकान होने के कारण हम नहीं कर पाए। आज भी हिम्मत टूटा हुआ है, लेकिन कहा गया है ना, सो मस्ट गो ऑन, तो अपना काम करना ज़रूरी है। जिस तरह हमें अपना खाना, घर पे खाना बनाते हैं, अपना काम करते हैं, वो करना ज़रूरी है। तो जो काम हम खाने हैं उसको भी करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और अपना प्यार दुलार बनाए रखिए, और खाने की तैयारी कर रहे हैं। पहले हमें चने का दाल मिला हुआ था, तो वो चना का दाल आज मसाले वाला चना का दाल और चावल बना रहे हैं। तो हम कहें बता दें आप लोगों को, ताकि सबको ये ना लगे, कितने लोग ये सोचते हैं कि हम अपना काम बंद कर चुके हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जब तक हम जिएंगे तब तक तो करेंगे। कोशिश यही रहेगा कि अपनी हिम्मत बनाए रखें, आगे प्रभु की इच्छा, और आप लोग अपना हमेशा सपोर्ट करते रहिए। दिखाते हैं अभी हम कैसे खाना बनाते हैं। ये हैं, दाल उबल गया है, अब जा रहे हैं तड़का लगाने। देखिए बारिश का आनंद लेते हुए हम खाना बनाएंगे, जा रहे हैं। दाल का मसाला तैयार हो गया है, अब दाल डालने जा रहे हैं। दाल बन गया है, अब चावल चढ़ाने जा रहे हैं। थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब इसमें खाली करें। इस बर्तन में चावल बन गया है, लेकिन थोड़ा सा कम बना है, 2-3 अजूरी और पड़ गया होता तो भगवान भर गया होता। दाल भी बन गया, जा रहे हैं भोग लगाने भगवान को। लगा दिए हम, क्योंकि मेरे 2 ही हाथ हैं और 2 हाथ से 1 ही काम हो सकता है, तो 1 काम कर रहे हैं तो उसको दिखा दे रहे हैं बस। अब थोड़ा देर रेस्ट करके जाएंगे खाना खिलाने। मेरा खाना पूरा बन गया है और अब हम खाना लेके पूरा जा रहे हैं। हमको टेम्पो भी जल्दी से मिल गया है, टाइम से अगर खिला लिए तो फिर चले जाएंगे भागवत सुनने। लोग आ गए हैं, यातायात हो रहा है, रास्ता क्लियर है। हमने 2 हफ्ते 3 हफ्ते 3 हफ्ते बाद खिला रहे हैं, जिसकी वजह से सब लोग, जब एक बार लोगों का आशा टूट जाता है तो फिर सोचते हैं अब उचित नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसे नहीं है, अपने बात के पक्के हैं, इसलिए फिर दोबारा आए। कृष्णा गया है लेने टेबल। बाबा हैं, जा रहे हैं बाबा मंदिर में जाते हैं, बहुत ज्यादा सन्नाटा मच चल रहा है। हाँ, इसके पीछे गाड़ी उनकी होगी। उनके ऊपर भी कुछ सिस्टम होगा, ऊपर ही गाड़ी उनका है, इस साइड पे दिख रहा है वाला, ऊपर है उसका वायरस वाला का, ऊपर चार वायरस। हां, ये गाड़ी का अच्छा, वो भी है बजा बताइए, ये फॉर्च्यूनर जाएगी तेरा कितने गाड़ी कर रही है वो, क्या बात है। हां, क्या देखा है, क्या क्या जी, ये है ट्रैफिक स्टेशन का। है भीड़, जाओ कृष्णा लेके आओ। खाने की चपाती हो गई, लेकिन लड़ाई झगड़ा बहुत होता है यहाँ पे, लोग लड़ाई झगड़ा बहुत करते हैं। कृष्णा टेबल लेके जा रहा है, खाने वाले खा चुके हैं, लेकिन बदनाम करने वाले बदनाम भी कर दिए हैं। आदमी लेके खिला के हम लोग घर जा रहे हैं।
कि रिक्शा से नहीं, रिक्शा से जा रहे हैं। हम घर आ गए हैं, अब जा रहे हैं चावल चढ़ाने, फिर उसके बाद खाना खा के सो जाएंगे, क्योंकि कल हम सोमवार है सावन का, तो व्रत रहना है। आप ही लोग खुश रहिए हमेशा, और भगवान आप पे अपनी कृपा बनाए रखें। और बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग हमारी सपोर्ट में हैं, और जो शॉर्ट वीडियो बनाते हैं हम इसीलिए बनाते हैं ताकि मेरा अन्नदान में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को के लिए कुछ कर सकें, क्योंकि हम भी मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम 365 दिन कर सकें। लेकिन मेरी मन में एक धारणा बन चुकी है कि हमें 365 दिन करना है, तो हमें वो उसी को करने के लिए हम शॉर्ट वीडियो डाल रहे हैं, और भगवान की कृपा रही तो उसमें आगे बढ़ेंगे ही। और इसीलिए हम थोड़ा ब्लॉग भी बनाते हैं ताकि लोगों को तक ये बातें पहुँचें। और अगर आप लोगों को मेरी कोई भी बात बुरी लगे या अच्छी ना लगे, तो छोटी बहन, आंटी, बच्चे हों, जैसे भी हो, आप लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, और जो भी गलती हो उसे माफ़ करिएगा। थैंक यू, हरिओम, गुड नाइट। हेलो गाइस, जय माता की, क्योंकि जा रहे हैं चावल बनाने।